दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द, पैसे लेकर सवाल पूछने पर हुई कड़ी कार्रवाई। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश, 2 करोड़ रुपए कैश और 1 गाड़ी लेने के लगे आरोप। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे। उन्होंने 1 कार ली थी, इसके अलावा 2 करोड़ रुपए की कैश रकम भी ली थी। इन गिफ्ट और कैश के एवज में महुआ मोइत्रा पर संसद में गौतम अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़े सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के 8 सांसदों को बंगला खाली करने का मिला नोटिस, कहा 30 दिनों के अंदर खाली करो बंगला। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधायक का चुनाव जीतने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले भाजपा सांसदों को दिल्ली के उनके सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसद CR पाटिल की अध्यक्षता वाली लोकसभा की आवास समिति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित संसद से इस्तीफा देने वाले सभी सांसदों को नियमों के मुताबिक दिल्ली के सरकारी घरों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। लोकसभा की आवास समिति ने नियमों के मुताबिक इन्हें 30 दिन के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा के मामले में कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर से पूछा तीखा सवाल, कहा इतनी जल्दबाजी क्यों, हत्या का दोषी भी अपना पक्ष रखता है। दरअसल कांग्रेस ने पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति के प्रतिवेदन पर लोकसभा में आनन फानन में चर्चा कराए जाने का आरोप लगाते हुए इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करा दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यदि सदस्यों को रिपोर्ट पढ़ने के लिए 3 से 4 दिन दे दिए गए होते तो आसमान नहीं टूट पड़ता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद फिर से शुरू होते ही आचार समिति की प्रथम रिपोर्ट को चर्चा के लिए पेश किया, जिस पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि संबंधित रिपोर्ट को पढ़कर चर्चा करने के लिए सदस्यों को कम से कम 3-4 दिन का समय दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किसी हत्या के मामले के दोषी को भी अपना पक्ष रखने की इजाजत देता है। आपको बता दें कि इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि यह संसद है ना कि अदालत है। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा अपना बयान पहले ही समिति के सामने पेश कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह संसद है ना कि कोर्ट है। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, सभापति हूं, यहां मैं निर्णय नहीं कर रहा बल्कि सभा निर्णय कर रही है। अगली बड़ी खबर, सांसदी गंवाने के बाद महुआ मोइत्रा के और तीखे हो गए तेवर, बोलिए बीजेपी के अंत की सूरत है, संसद को बता डाला कंगारू कोर्ट। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता चली गई है। सांसदी गंवाने के बाद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि ये बीजेपी के अंत की सूरत है, साथ ही उन्होंने तीखे तेवरों के साथ में संसद को कंगारू कोर्ट तक बता डाला। लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर मोइत्रा ने कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप कराकर वे अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे तो मैं आपको यह बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल यह दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है वो दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप एक महिला सांसद को समर्पण करने से रोकने के लिए उसे किस हद तक परेशान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एथिक्स कमेटी के पास में निष्कासित करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये आपके अंत की सूरत है। सभा में शुक्रवार को महुआ मोइत्रा के खिलाफ वाली एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें उन्हें सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। इस दौरान महुआ मोइत्रा को कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का भी साथ मिला और विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी। अब तक 220 करोड़ रुपए किए गए जब्त, अभी भी गिनती जारी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी शराब कंपनियों के ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इसमें अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए गए हैं और अभी भी लगातार गिनती जारी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर छापेमारी में मिले 220 करोड़ रुपए से अधिक के कैश मामले में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने 3 लाफिंग इमोजी के साथ में सोशल मीडिया मंच एक्स पर मीडिया रिपोर्ट शेयर किया है और लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथ ही पीएम मोदी ने क्रॉस और डॉलर की भी इमोजी लगाई है। आमतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने हैंडल से बयान के साथ इमोजी नहीं लगाते हैं, ऐसे में उनके इस ट्वीट ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। पीएम मोदी ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें नोटों से भरी कई अलमारियों की तस्वीर भी देखी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा को मिला ममता बनर्जी और सोनिया गांधी का साथ। ममता बनर्जी बोली ये पूरी संसद के लिए दुख भरा दिन है। दरअसल पूरे मामले को लेकर टीएमसी की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम महुआ मोइत्रा के साथ में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर सही रवैया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि ये पूरी संसद के लिए दुख भरा दिन है। महुआ मोइत्रा के संसद सदस्यता जाने पर विपक्षी सांसद लोकसभा से बाहर आ गए। इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल रहीं। इस दौरान सभी विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी महुआ मोइत्रा के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि यह सब बदले की भावना से किया गया है, सारी कार्यवाही बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नई संसद में सबसे पहले महिला सांसद को बलि चढ़ाया गया। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि महुआ मोइत्रा का निष्कासन सभी सांसदों के लिए एक बड़ी सीख है। उन्होंने कहा कि सांसद बनने पर हम संविधान के तहत शपथ लेते हैं, इसमें कुछ नियमों के तहत काम करना होता है। महुआ मोइत्रा के मामले में नैतिकता नहीं थी, ऐसे में यह सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद ही पेश की गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर दिल्ली में महामंथन। कमलनाथ को 2024 की मिली जिम्मेदारी, किसी से नहीं मांगा गया इस्तीफा। दरअसल मध्य प्रदेश की करारी हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। वहीं इस बैठक में कमलनाथ को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मीटिंग में विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा हुई, किसी से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ में हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह, पार्टी महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कई अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले खबरें चल रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ से इस्तीफा मांगा है। हालांकि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इस बात का खंडन किया। कांग्रेस की तरफ से इसे अफवाह बताते हुए कहा गया है कि यह महज एक अफवाह है और कमलनाथ से कोई भी इस्तीफा नहीं मांगा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी के बाद भी कमलनाथ को 2024 की जिम्मेदारी दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश फतह करने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पद को लेकर दे दिया बड़ा बयान। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन किसी न किसी जिले के दौरे पर जा रहे हैं। खासतौर से जिन जिलों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा उन सीटों पर शिवराज सिंह चौहान बेहद फोकस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा भी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं पहले भी मुख्यमंत्री की रेस में नहीं था और ना ही अब हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो साधारण सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा।
आड़ी बड़ी खबर, जातीय जनगणना विपक्ष पर ही पड़ गई भारी। अब जेडीयू नेता बलियावी ने आबादी के हिसाब से मांगी सत्ता में हिस्सेदारी। खुले मंच से लालू यादव और नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों पर जमकर हमला किया। सीतामढ़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए जातिगत गणना के आंकड़ों को आधार बनाकर उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सर्वे के बाद जो बातें कही जा रही हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसी के आधार पर जब 12% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 18% वाला क्यों नहीं बन सकता। आपको बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हमें आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। बलियावी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तीन राज्यों के चुनाव परिणामों ने यह बता दिया है कि सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के पास में अपनी जात तक के वोट नहीं है। सेकुलर कहलाने वाले लोग हमारे वोट पर नेता बन बैठे हैं। आगे जेडीयू नेता ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में हम लोगों की 18% हिस्सेदारी है। बिहार में जब 3% वाला हुकूमत बना सकता है, 6% वाला 4-4 मंत्रालय ले सकता है और 12-13% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है और 9-9 मंत्रालय ले सकता है, तो बलियावी ने यह तय कर लिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिसाब से हमारी 18% हिस्सेदारी है, हमें भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस 18% की हिस्सेदारी स्कूल, कॉलेज, पुलिस, एसपी, डीएम, मेडिकल सभी में लेंगे, ये लड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई क्या देगा, दम होगा तो मैं छाती फाड़कर हिस्सा निकालकर बच्चों को दे दूंगा। आड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। शिवराज सिंह चौहान ने ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद अब सभी को मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का इंतजार है। इस बीच प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री फेस को लेकर मंथन चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद सिंह पटेल दोनों का ही नाम मंत्री फेस की लिस्ट में माना जा रहा है। वहीं इससे पहले शिवराज सिंह चौहान गुना पहुंचे, यहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि हमें ईवीएम मशीन ने हरा दिया, लेकिन कांग्रेस को ईवीएम मशीन ने नहीं बल्कि उनके अहंकार ने हरा दिया। जिस दिन कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी उसी दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार गई थी। उनको अहंकार हो गया था कि अब हम मंत्री बनेंगे, लेकिन उनके अहंकार ने उनको मध्य प्रदेश में हरा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ईवीएम की गड़बड़ी थी तो वे छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए। उन्होंने कहा कि वे तो पहले से ही कहने लगे थे, उन्हें पता चल गया था कि अब हम हारेंगे, इसीलिए ईवीएम ईवीएम करने लगे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है, जनता ने उनको नकारा है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी फिर से बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मिली 76% अप्रूवल रेटिंग। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए हैं। ये रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के डेटा के आधार पर जारी की गई है। इस अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग भी बाकी नेताओं से कम है। रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेज मैनुअल हैं और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बर्सेट हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। आड़ी बड़ी खबर, तेलंगाना में केसीआर को लगने वाला है डबल झटका, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए बीआरएस के कई विधायक बेताब। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। हालांकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसके बाद लोगों की नजर कांग्रेस की गारंटी पर है जो विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता को दी गई थी। विधानसभा में संख्या बल बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे भी खेल चल रहा है। रेवंत रेड्डी सरकार अपनी सरकार की राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने की कोशिश में है। 119 सदस्य विधानसभा में उनके पास बहुमत से केवल 5 विधायक अधिक हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के सियासी जानकारों का कहना है कि बीआरएस की हार के बाद केसीआर की पार्टी के विधायक अब बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि वे कांग्रेस के साथ में जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि बीआरएस ने 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद लगभग 1 दर्जन कांग्रेस विधायकों को अपने
पाले में कर लिया था, अब आने वाले समय में रिवर्स प्ले देखने को मिल सकता है, यानी ये सभी विधायक अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापस शामिल हो सकते हैं। आड़ी बड़ी खबर, तीनों ही राज्यों में आज होगा मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने बना दिए पर्यवेक्षक, राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर को मिला विशेष जिम्मा। दरअसल भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों को चुनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और ये पर्यवेक्षक संबंधित राज्यों में भी पहुंच चुके हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लखेड़ को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनोवाल को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इन पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में आज विधायक दल की मीटिंग होगी। इस बैठक के बाद तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।